हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है इस नए वीडियो में। मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं डीएस हेल्पिंग फॉरएवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल पुलिस में जो है वैकेंसी निकाली गई है कांस्टेबल पद पे, लेडी कांस्टेबल पद पे, और साथ ही साथ जो है सब इंस्पेक्टर जो है एसआई पे जो है वैकेंसी निकाली गई है। किस प्रकार से फॉर्म को फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस साथ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 9000 से ज्यादा वैकेंसी निकाली गई है, तो इस वीडियो हम जानेंगे कि किस प्रकार से फॉर्म को फिलअप करेंगे। स्टेप बाय स्टेप लाइव मैं आपको एक फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के लाल वाले बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें ताकि मैं जैसे वीडियो लाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, आपको वैकेंसी की पूरी डिटेल्स जानने के लिए सबसे पहले आपको जो है गूगल में सर्च करना होगा। आप क्या सर्च करेंगे, डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, इस प्रकार से आप सर्च करेंगे तो आपके सामने क्या होगा, ये जो पहली वेबसाइट दिखाई दे रही है dshelpingforever.com, आपको ध्यान रहे .com हमेशा यूज करना है, इसको आपको ओपन करना है। जिसे आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है इस प्रकार से वेबसाइट खुलेगा, इसका लोगो ये है, इस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए बताया गया है WB पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन रिक्रूटमेंट 2021 लाइव अपडेट में आपको दिखाई देगा। आर्मी रैली की वैकेंसी बहुत सारी निकाली गई है। उसके बाद से यहाँ पे जो है यूपी जो अलाहाबाद हाई कोर्ट है उसके वजह से बिहार आंगनबाड़ी की वैकेंसी, तो बहुत सारी वैकेंसी मैं जो इस वेबसाइट पर अपडेट कर रहा हूँ। आप इस पे क्लिक करेंगे वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल वाले पे तो इस प्रकार से खुल के आएगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है तो यहाँ पे देखिए वैकेंसी डिटेल्स जो है बताइए, 8632 पद है टोटल पुलिस कांस्टेबल के। अप्लाई मोड ऑनलाइन होगा और आप किसी भी राज्य से आते हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है बंगाली लैंग्वेज आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा जो है रखा गया एलिजिबिलिटी कंडीशन में। और बाकी कैटेगरी यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है टोटल पोस्ट यहाँ पे बताया गया है। हाइट 167 सेंटीमीटर रखा गया मेल कैंडिडेट्स के लिए और लेडी कांस्टेबल के लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर रखा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं गोरखा और गरवाली के लिए 152 सेंटीमीटर रखा गया है। यहाँ पे जो है पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप यहाँ पे रेटिंग जरूर दीजिएगा अपना वैल्यूएबल रेटिंग ताकि हमें मोटिवेट मिले। उसके बाद से यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है या मोर डिटेल्स पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको जो है डिटेल्स आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे लेडी कांस्टेबल का है जो एसआई सब इंस्पेक्टर का है, उसके बाद यहाँ पे कांस्टेबल एंड लेडी कांस्टेबल का यहाँ पे दो नंबर पे दिया हुआ है। 22 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, इस पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से डिटेल्स खुल जाएगा। आपको यहाँ पे देखिए बताया गया फिल द फॉर्म ऑनलाइन, तो आपको जो ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए आपको सबसे पहले हम यहाँ पे लेडी कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप करके बताते हैं किस प्रकार से फिलअप होगा। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा है फिल द फॉर्म, गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से क्या होगा आपका आ जाएगा। आपको यहाँ पे फिर से क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप जो है इंपोर्टेंट एप्लीकेशन डिटेल्स इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई के डिटेल्स डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन जो स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स 22 जनवरी से स्टार्ट है और लास्ट डेट 20 फरवरी 2021 तक आप फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन दिखाई, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको जो साइन अप करना होगा, मतलब आपको एक जो है नया यूजर क्रिएट करना है। यहाँ पे देखिए यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे साइन अप नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से आपसे यहाँ पे पूछेगा आपका ईमेल आईडी या यहाँ पे मोबाइल नंबर, मतलब दो ऑप्शन है कम्युनिकेशन मोड, तो आप मोबाइल नंबर भी के माध्यम से भी जा सकते हैं, ईमेल आईडी के माध्यम से भी जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मोबाइल के माध्यम से चूज करता हूँ। इसके बाद से आपको यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे, एक यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे देखिए यूजर नेम एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। यूजर नेम आप जो है अपने अनुसार कुछ भी रख सकते हैं, पासवर्ड जो है आप अपने अनुसार कुछ भी रख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे साइन अप वाले पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड और ये सारी इन्फॉर्मेशन को फिलअप किया, आप यहाँ करते हैं साइन अप। जिसे आप यहाँ साइन अप पे क्लिक करेंगे बोल रहा है योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, आपको ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जो आपका नाम शो कर देगा और यहाँ पे आपको देखिए स्टेप्स आ जाएगा खुल के कि आपको कितने स्टेप में फॉर्म को फिलअप करना है। तो सबसे पहला स्टेप है पर्सनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन एंड अदर डिटेल्स, उसके बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड करनी है, प्रीव्यू आ जाएगा कि आपको मिला नहीं है, सब चीज एक नहीं है, उसके बाद से आपको पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, पेमेंट लास्ट में करना है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है। अब यहाँ फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है रेसिडेंस कहाँ के हैं, तो अगर कोलकाता के हैं तो कोलकाता चूज करेंगे, बिहार से बिहार के चूज करेंगे, अदर स्टेट वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर यहाँ पे देखिए पूछ रहा है, उसके वजह से मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, मैरिड है कि अनमैरिड है, उसके वजह से आपका नाम शो कर रहा है, आपका यहाँ पे पूछेगा फुल नेम ये भी शो कर रहा है, उसके वजह से माता जी का नाम लिखेंगे, पिताजी का नाम लिखेंगे, अगर कोई लेडीज है मैरिड है तो हस्बैंड नेम यहाँ पे लिख सकती है, उसके वजह से नीचे आएंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे अदर स्टेट चूज किया तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी आ गया, मतलब ये कि अदर स्टेट वाले जो है अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे
और अदर कैटेगरी के जो लोग हैं उनको यहाँ पे ₹220 एप्लीकेशन फी देना होगा, और बाकी एससी एसटी अगर वेस्ट बंगाल के हैं तो उनको मात्र ₹20 एप्लीकेशन फी देना होगा। अब यहाँ पूछ रहा है, देखिए आर यू डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉय, ये भी हट गया है क्योंकि जो भी अदर स्टेट वाले हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए हम यहाँ पे जो है कोलकाता सॉरी वेस्ट बंगाल में चूज करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल चूज करने के बाद देखिए ये जो है इनेबल हो जाएगा अभी कैटेगरी, देख रहे हैं यहाँ पे कैटेगरी चूज करने का आ गया। मतलब ये फ्रेंड्स कि अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। तो ये जानकारी आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको पूछा गया होम गार्ड इन वेस्ट बंगाल, ये भी यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये अगर होम गार्ड वाले डिटेल्स अगर फिलअप करेंगे तो ये इसकी जानकारी भरनी पड़ेगी, नहीं तो इसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है, कैलेंडर ओपन करना है, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो आपका डेट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा कि आप कितने ईयर के हो गए हैं, कितना मंथ कितना डेट हो गया है। आपको यहाँ पे जो है माध्यमिक या इक्विवेलेंट में जो है 10वीं क्लास पास मांगा गया है। अगर आप वेस्ट बंगाल से आते हैं और केवल माध्यमिक तक पढ़ाई किए हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसके बराबरी में जो है 10वीं क्लास को गिना जाता है अदर स्टेट वालों के लिए, तो 10वीं क्लास का यहाँ पे डिटेल्स अपना फिल करेंगे। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए आपको 10+2 का भी यहाँ पे डिटेल्स पूछा गया है, ग्रेजुएशन का भी डिटेल्स पूछा गया, अगर आप यहाँ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो इसे छोड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको इसको टिक करना होगा, तभी जाके ये देखिए इनेबल हुआ। यहाँ पे इस प्रकार से बोर्ड को चॉइस करेंगे आप किस बोर्ड से जो है क्वालिफाइड है। उसके बाद यहाँ पे 10वीं क्लास का, यहाँ पे 12वीं क्लास का कितना परसेंटेज है, ग्रेड है, ग्रेड डालेंगे, परसेंटेज डालेंगे। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स पूछ रहा है कि तो कम्युनिटी सॉरी यहाँ पे कम्युनिटी डिटेल्स पूछ रहा है, तो अगर आप इस कम्युनिटी से आते हैं तो आपको छूट मिलेगी। मैंने ऑलरेडी बताया यहाँ पे फिजिकल में थोड़ा सा छूट मिलता है, नहीं है तो इसको बिल्कुल छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड्स जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से आपका जो है प्रीव्यू खुल के आ जाएगा। पूछ रहा है कि क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, अगर सब चीज सही है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, नहीं सही है तो नो करके सुधार करिएगा। चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ यस। जैसे यस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आगे का प्रोसेस खुल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो है और डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी, जैसे कि देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है, आपका पूरा एड्रेस लिखना है, जैसे आपका विलेज पोस्ट थाना, अगर मकान नंबर है मकान नंबर, फ्लैट नंबर है फ्लैट नंबर, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चॉइस करेंगे। तो जो आप राज्य चूज करेंगे स्टार्टिंग में, कम्युनिकेशन कहाँ से आप आते हैं, किस राज्य से आप आते हैं, तो उसी का जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट खुल जाएगा। पुलिस स्टेशन यहाँ पे अदर आ रहा है, पुलिस स्टेशन का नाम यहाँ पे क्या करेंगे आप सिंपली अपने अनुसार लिखेंगे। अब यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस भी आ रहा है अदर यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आपको अपना लिखना है पोस्ट ऑफिस। पिन कोड आपका एरिया का पिन कोड क्या है ये जानकारी यहाँ पे भरेंगे। रेलवे स्टेशन नियरेस्ट में क्या है ये आपको यहाँ पे क्या करना है बता देनी है। तो आपको अपना रेलवे स्टेशन नजदीकी जो भी रखेगा उसको आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना, पूछ रहा है कि दोनों एड्रेस सेम है, मेलिंग एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस, तो आपको इसको टिक करेंगे तो दोनों क्या होगा इसके सेम सेम लिख देगा। आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे बोल रहा है क्या आप जो है बंगाली बोल सकते हैं या एथी कर सकते हैं लिख सकते हैं, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे चॉइस करेंगे क्योंकि एक ही ऑप्शन है, तो बंगाली यहाँ पे आपको बोलना आना चाहिए, ये थोड़ा सा जो है रखा गया कंडीशन में। अब यहाँ पे जो है लैंग्वेज ऑफ सिलेक्शन पेपर थर्ड फाइनल कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं आ रहा है, चलिए छोड़ते हैं इसको। रिलीजन लैंग्वेज क्या है आपका, सॉरी रिलीजन क्या है, हिंदू है मुस्लिम है, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद से पूछ रहा है इफ यस मेंशन द रजिस्ट्रेशन एनओसी इशू बाय द लेबर डिपार्टमेंट, मतलब ये कि अगर आप लेबर डिपार्टमेंट कैटेगरी से आते हैं। देखिए ये सबको जो है वेस्ट बंगाल के रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए रखा गया, ये डिसेबल है अदर स्टेट के लिए नहीं है। अब यहाँ फ्रेंड्स पूछ रहा है कि इंप्लॉय इन द एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर रहते तो यहाँ पे उसकी जानकारी भरनी पड़ती, नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं आप। अब यहाँ पे फ्रेंड्स इफ यस गिव डिटेल्स, मतलब उसका डिटेल्स देना है, अगर आप अदर एजेंसी में इस तरह के काम किए हैं तो जानकारी यहाँ पे भरनी थी, छोड़ दीजिएगा। अब ये पूछ रहा है कि हैव यू एवर सब्जेक्टेड अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, इस तरह का कोई केसेस आपके पास है क्रिमिनल का, यस करेंगे नो करेंगे, और उसकी जानकारी यहाँ पे नीचे भर रहे हैं अगर यस में होगा तो। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट में करने के बाद इस तरह से आगे कन्फर्म कर देंगे, यस करने के बाद से आगे ये प्रोसेस हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार से जो है आपका डिटेल्स आगे हो रहा है। अब यहाँ पे आपको जो फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करनी है, देखिए यहाँ पे देखिए अपलोड फोटो बताया गया है जो कि 10 से 50 के बीच होनी चाहिए, और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करनी है। यहाँ पे अपने गांव का नाम लिख दीजिएगा प्लेस में, और उसको क्या करिएगा डिक्लेयर करिएगा। डिक्लेयर करने के बाद से यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है, तो आप क्या करेंगे सिंपली चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और अपना फोटो चूज करेंगे। तो मैं इस प्रकार से फोटो चूज करता हूँ, ओपन करूंगा, उसके बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करूंगा, तो ये क्या होगा फोटो यहाँ पे जो है अपलोड हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल है अपलोड करना, यहाँ पे जो है आप साइज बना लीजिएगा, 10 से 50 के बीच आपका साइज होगा, सिंपली जो है यहाँ पे फोटो अपलोड हो जाएगा। उसी तरह से आपको सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेनी है। देखिए इस प्रकार से जो लोडिंग ले रहा था, तो यहाँ पे आपको क्या करना है अपना फोटो को जो है स्केच कर लेना है, इस तरह से आएगा प्रीव्यू करने का।
अब आप अपने अनुसार क्या करेंगे, इसे पकड़ के खींच लीजिएगा और यहाँ पे इस प्रकार से रख के और यहाँ ओके कर दीजिएगा तो ये फोटो आपका सेट हो जाएगा। क्रॉप कर लेता हूँ। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको जो है फोटो को अपलोड करनी है, बहुत ही सिंपल वे है, इजी तरीका है आपको अपलोड करने का, आप सिंपली यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे फोटो जो है अपलोड नहीं हो रही, इस प्रकार से जो बार बार लोडिंग लिख रहा है। एक्चुअली क्या है कि कुछ सर्वर एरर हो सकता है, बाद में ये लोग कहीं ठीक कर दे, तो आप लोग जो ट्राई करते रहिए आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर इजिली यहाँ पे फोटो अपलोड हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मैं जब अपलोड कर रहा हूँ तो इस समय देखिए इस प्रकार से लोडिंग हो रहा है, फोटो यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेकिन इस प्रकार से बार बार लोडिंग लिख रहा है। इसका क्या कुछ नहीं है फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है फोटो अपलोड करने के बाद से प्रीव्यू आ जाएगा खुल के कि क्या आपने जो भी फॉर्म फिलअप किया है, जानकारी जो भी डाली है तो सब चीज सही कि नहीं है। अगर उसमें कोई मिस्टेक होगा तो आप क्या करेंगे, सुधार करेंगे, नहीं तो आगे नेक्स्ट करेंगे, सबमिट करके लास्ट में जो है पेमेंट करके आप जो फाइनल प्रिंट आउट कर लेंगे। यहीं तक इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है, इसके आगे कुछ नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी जो इजी वे में बनाया गया, मैं यहीं तक आपको जो है बता सकता हूँ क्योंकि इसके आगे जो है मैं जब शूट कर रहा हूँ तो ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है। आई होप फ्रेंड्स आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।